बार मुखड़े पे आऊंगा। मेरे को ताल का भी ध्यान रखना है कि दूसरा कहाँ से लेना है, नहीं बीच से बैकग्राउंड में है वो मेरे को सुनाई नहीं, सिर्फ उसके बोल सुनाई दे रहे हैं जिससे मेरे को समझना पड़ेगा कि कौन सी माता है। Thank you.
ताल में एक रह गया Yeah.
अब इसी लय बढ़ाऊंगा ये स्पीड वही है वही ताल वो 1 2 3 4 के अंदर धीरे था अब फास्ट हो गया संगम है संगीत पर सुर नहीं है तो ताल क्या करेगा
बिना ताल बिना सुर के ताल का कोई मतलब नहीं है। ताल भी जो बज रहा है ये ताल, ये मतलब जो तीन ताल बज रहा था ये भी साम बज रहा है। तो इसमें भी बेसिक सुर जो है ताल में भी सा है, हम इसको सा में सेट करते हैं, जिससे कि आपको एक और एडिशनल बेस मिल जाता है सुर का। तबला भी जो सेट होता है वो मतलब वो भी होगा, या गिटार या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट होगा उसके साथ में सुर मिलेगा। वो बेसिक सुर जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एवरी इंस्ट्रूमेंट विच इज अकंपनिंग हैज टू हैव अ सेम सुर, सेम ताल, सेम ही सुर में होना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे आप, है कि नहीं। तभी वो भी लेने में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी उसको रिपीट करने में आसानी होगी, नहीं तो उसका सा ही गड़बड़ होगा तो कैसे होगा। इसलिए हर एक को अपने एक साथ उसको मिलाना पड़ता है। पहले अपना तानपुरा मिलाया जाता है, फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स मिलाए जाते हैं, या हारमोनियम को बेस लेके तानपुरा मिलाते हैं, क्योंकि हारमोनियम यू कॉन्ट चेंज बट दिस कैन बी मॉडिफाइड, मतलब इधर ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। ऑल दैट ये सब अपने को करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिर्फ अभी एग्जाम्पल दिए हैं, यू हैव टू गो ए लॉन्ग वे। और शास्त्रीय संगीत सीखना तो ये सब करना है मेरे को, शास्त्रीय संगीत से आप गज़ल गाने, यू मे डाइवर्ट टू गज़ल्स, बट गज़ल्स गाने के लिए पहले आपको शास्त्रीय संगीत का अच्छा फाउंडेशन तैयार होना पड़ेगा। इफ़ यू नो अदरवाइज वो गा नहीं सकते अदरवाइज, क्योंकि ऑल दैट इम्प्रोवाइजेशन, ऑल दैट थिंग्स जो वेराइटी या सुर में रह के और साथ में उसमें भाव लाना है, वो सब नहीं आ सकता है बिना गायकी शास्त्रीय संगीत में। शास्त्रीय संगीत का बेस बहुत ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ गज़ल गायकी। इसलिए जब तक आप गज़ल सीधे गज़ल गाने पे जाएंगे तो विदाउट बेस इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।